अपार्टमेंट कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ पक्षी ही रहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। 80 फीट ऊंचाई पर बने 6 मंजिला इस अपार्टमेंट को खास तौर से सिर्फ पक्षियों के रहने के लिए ही बनाया गया है। आपको बता दें, ये अपार्टमेंट जयपुर के सांगानेर में पिंजरापोल गौशाला में स्थित है। इसमें पक्षी अलग अलग फ्लैट में अपने जीवन साथी के साथ आराम से रह सकते हैं। इस पक्षी अपार्टमेंट में 1300 के लगभग घरौंदे नुमा निवास स्थल बनाए गए हैं। पक्षी तीर्थ के नाम से बनी इस बिल्डिंग में एक समय में 2000 से ज्यादा पक्षी एक साथ रह सकते हैं। गौशाला के सदस्य आर विजय वर्गीय बताते हैं कि आज लोग बड़ी इमारतों में रहते हैं, लेकिन वो पक्षियों के बारे में भूल जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ पक्षियों के लिए खास तौर से ये बिल्डिंग बनाई है। ये लगभग 60-70 फीट ऊपर है। 60-70 फीट तो ऊंचा है और इसका 20 फीट गहरा फाउंडेशन बना हुआ है। अच्छा, और कितने पक्षी एक बार में? इसमें लगभग 2000 से ज्यादा पक्षी एक बार में इसमें आवास कर सकते हैं। दाना खाना पानी? दाना खाना पानी जस्ट बराबर में इसका जो बना हुआ है उस पर दाना खाना पानी होगा, उसके बाद में ये यहाँ आवास करेंगे। इनकी प्रजनन प्रक्रिया भी यहीं पे अंदर ही होगी। तो क्या है कि जैसे बाहर पेड़ों पे होते हैं या किसी के मकान में अगर घोंसला बना लेते हैं और अंडे देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है, तो यहाँ उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसमें 2000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था है। सर्दी गर्मी और बरसात में ये सारी वातानुकूलित है उनके लिए। आज के परिप्रेक्ष्य में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के आवास तो बना लेते हैं, पर प्राणी मात्र पक्षी मात्र की या पशु मात्र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये लगभग 118-119 साल से गौशाला संचालित है और इस गौशाला का एक ही मिशन है, गौ माता की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, पक्षियों की सेवा। हर मौसम में बेजुबान परिंदे यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये पक्षियों के लिए घर की तरह ही है। पक्षियों के अंडे और धूप, बारिश और सर्दी से बचाव हो सकेगा। पक्षियों के रहने के अलावा इस अपार्टमेंट में सुबह शाम उनके लिए दाना पानी का भी विशेष इंतजाम किया जाता है। बता दें कि गुजरात के कारीगरों ने ये पक्षी अपार्टमेंट तैयार किया है। पक्षी दिन भर घूमने के बाद शाम के समय इन फ्लैट्स में आकर आराम करते हैं। हर एक फ्लैट में 1 से 2 पक्षी आराम कर सकते हैं। गौशाला में बने इन फ्लैट्स का ध्यान रखने के लिए 3 कर्मचारियों की बैच गौशाला में बने इन फ्लैट्स का ध्यान रखने के लिए 3 कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।